हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि अगर रिग्रेट टिकट भी अगर आपको शो होता है तो आप अपना वेटिंग टिकट भी इजीली बुकिंग करवा सकते हैं काउंटर पर जाकर। ऑनलाइन तो आप बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन आप सभी को पता होगा कि ऑनलाइन टिकट अगर बाय द वे चार्ट लगने के बाद वेटिंग रह जाता है तो आप ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप काउंटर से ही जाके कटवा सकते हैं। तो जैसे कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे को मतलब मैसेज करके रिग्रेट टिकट के बारे में कुछ क्वेश्चन किए हैं, इंक्वायरी किए हैं कि रिग्रेट हो जाने के बाद मैं टिकट कैसे बनवा सकता हूँ या बना सकता हूँ, या मेरे रूट में टिकट मतलब नहीं बना पा रहे, वहाँ रिग्रेट हो रहा है। तो सो उन लोगों के लिए ही मैं ये खास करके वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिग्रेट टिकट होने के बावजूद वो क्या करते हैं, टिकट कटवाते ही नहीं, वो बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, जो जिस ट्रिक को फॉलो करके आप वेटिंग टिकट इजीली बुकिंग करवा सकते हैं। कंफर्म तो नहीं, लेकिन वेटिंग टिकट आप बुकिंग करवा सकते हैं काउंटर पर जाके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं एक ट्रेन का स्टेटस आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं एक हावड़ा से बनारस तक का एक ट्रेन सर्च किया हूँ, ठीक है, जिसका ट्रेन नंबर 13005 है, हावड़ा ASRMail है, ठीक है, जो कि 7:15 में हावड़ा से खुलती है, ठीक है। तो इस ट्रेन में आप देख पा रहे हैं कि आपका रिग्रेट शो हो रहा है 9 जुलाई 10 जुलाई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप लोगों को भी बुकिंग करते वक्त मतलब कितने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 10-15 दिन के बाद भी अगर वो बुकिंग करवाते तो रिग्रेट शो होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रेन है हावड़ा से खुलती है और अमृतसर जाती है, और ये जो बनारस जो स्टेशन है ये आपका हावड़ा और अमृतसर का बीच में स्टेशन पड़ता है। तो जैसे कि मैं इसमें आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ कि ये ट्रेन कहाँ कहाँ, इस ट्रेन का स्टॉपेज है, ठीक है। तो इसमें आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि वेटिंग लिस्ट जो होता है GNWL, PQWL, RNWL, RSWL, बहुत सारा वेटिंग लिस्ट होता है, ठीक है। तो हावड़ा से बनारस तक का जो वेटिंग लिस्ट होता है वो RLWL होता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ PQWL होता है। इसके बाद में जैसे कि आपको एक तो हम देखते हैं लखनऊ तक, ठीक है, मतलब ये जो गाड़ी है ये लखनऊ में भी इसका स्टॉपेज है। हम जस्ट एक बार वहाँ तक देखते हैं कि मतलब उसमें क्या कुछ अवेलेबल दिखा रहा है, या वेटिंग दिखा रहा है, ना रिग्रेट दिखा रहा है, ठीक है। एक बार इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए बनारस से आगे मैं लखनऊ में भी चेक किया, स्लीपर में और थर्ड एसी में, दोनों में आपको रिग्रेट शो हो रहा है, दोनों में, स्लीपर में भी और एसी में भी। और ये ट्रेन जाती कहाँ, अमृतसर। तो अब क्या करेंगे कि अमृतसर से 5-10 स्टेशन आगे तक का मैं एक बार देख लेता हूँ। तो 5-10 स्टेशन बाद जो अमृतसर का स्टेशन है, इसमें जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि इसमें लखनऊ के बाद से जो बड़ा स्टेशन देखने को मेरे को मिल रहा है वो अम्बाला कैंट मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार हम अम्बाला कैंट तक चेक कर लेते हैं। देखिए इसी के थ्रू आप भी अपना ट्रेन, जिस भी ट्रेन में बुकिंग करना चाहते हैं, तो आप भी ऐसे ही चेक करके आप वेटिंग टिकट बुकिंग करवा सकते हैं। भले थोड़ा कुछ ज़्यादा पैसा लगे, लेकिन आप वेटिंग टिकट बुक करवा सकते हैं। जिनको सफ़र करना होता है वो इतना तो कर ही सकते। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें वेटिंग लिस्ट आपको उसमें 78 दिखा रहा है, देखिए स्लीपर में, और 18 वेटिंग लिस्ट में थर्ड एसी में दिखा रहा है। तो ये ईजिली कन्फर्म होगा, ना ही कन्फर्म होने कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वेटिंग टिकट का ज़रूरत है तो आप ऐसे ही वेटिंग टिकट बुकिंग कर सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको इस ट्रेन का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। इस ट्रेन इसी थ्रू मतलब आप आराम से वेटिंग टिकट ले सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें सब मतलब इफेक्ट पड़ता है क्या, जिसे वेटिंग लिस्ट जो होता है ना, RLWL, PQWL, JNWL, तो आपको GNWL आराम से मिल जाएगा। सेम इसी तरह से मैं एक गोरखपुर से अम्बाला तक का एक ट्रेन सर्च मारा हूँ, ठीक है, जिसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें भी आप देखिए स्लीपर में दिखा रहा है रिग्रेट 10 जुलाई का, ठीक है, गोरखपुर से अम्बाला कैंट। ये जो गाड़ी है इसका नाम KIR ASR स्पेशल है, जो कि ट्रेन नंबर इसका 15707 है, ठीक है। तो ये हम गोरखपुर से किए, मतलब ये गाड़ी कटिहार से खुलती है, लेकिन हम बीच के स्टेशन से टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, ठीक है, अमृतसर के लिए या अम्बाला कैंट के लिए। तो बीच का स्टेशन क्या होता है, बीच का स्टेशन आपको PQWL मिलता है या RLWL मिलता है। स्टार्टिंग से लेकर अगर अंत तक आप टिकट लेते हैं तो आपको GNWL मिलता है, ठीक है। तो ये जो रिग्रेट शो होता है ना, ये रिग्रेट जो शो होता है ये दो स्टेशनों के बीच में, मतलब जहाँ से गाड़ी खुलती है और जहाँ तक जाती है, इन दो स्टेशनों के बीच में ही आपको मतलब वेटिंग लिस्ट मिलता है टिकट। और रिग्रेट जो होता है, बीच के स्टेशनों में आपको रिग्रेट देखने को मिलता है। तो इस ट्रेन जो है आपको गोरखपुर से, तो मैं देख लिया अमृतसर तक, अब इस ट्रेन को एक बार मैं चेक इन करता हूँ, जैसे कि आपका ये कटिहार से ये गाड़ी आ रही है, कटिहार से अमृतसर के लिए जा रही है, ठीक है।
तो अब मैं इसको एक काम करता हूँ, कटिहार से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग भी देख के समझ जाए कि वेटिंग मिलता है या नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं। जैसे कि कटिहार में मैं सर्च करके देख रहा हूँ स्लीपर में, देखिए आपको सीट, मतलब सीट नहीं, वेटिंग टिकट आपको मिल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि रिग्रेट होता क्यों है, क्यों दिखा देता है। तो रिग्रेट बीच के स्टेशनों में दिखाता है, लंबी दूरी जो गाड़ी तय करती है वहाँ से वहाँ तक अगर आप टिकट बुकिंग करवाने जाते हैं तो आपको टिकट वेटिंग या कन्फर्म मिल सकता है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब तत्काल के भरोसे बैठ जाते हैं लेकिन तत्काल टिकट भी नहीं मिलता है, तो वो वेटिंग ही ढूंढते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेटिंग टिकट पर यात्रा करते हैं, तो खास करके मैं उन्हीं लोगों के लिए, वेटिंग टिकट जो काउंटर से लेते हैं उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं। तो आप ऑनलाइन तो नहीं लेकिन आप काउंटर से जाकर टिकट इजीली बुकिंग करवा सकते हैं वेटिंग लिस्ट, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मोबाइल से या कंप्यूटर से ऑनलाइन बुकिंग करिएगा तो अगर कन्फर्म नहीं होगा तो आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप काउंटर से जाकर ऐसे चेक करके अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा मोबाइल से, इसके बाद जाकर आप काउंटर से इजीली टिकट बुकिंग करवा सकते हैं। थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको टिकट तो मिल जाएगा। सो आई होप कि आप सभी को हमारी जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते हैं कि हमारा अगला वीडियो तक पहुँच सके।